हेलो। तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। मैं बारिश में भीग चुकी हूँ। तो मैं जिम गई थी अभी, एंड अब मैं जा रही हूँ घर, एंड उसके बाद मैं मिलती हूँ। और ये वीडियो किस बारे में है वो सब मैं आपको सब बताती हूँ। तो मैं रेडी होके आती हूँ। बाय। Later that same evening. Hello, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. सो हेलो, आज का वीडियो थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज जब मैंने यूट्यूब का चैनल भी नहीं बनाया था तब से मुझे ये वीडियो बनाना था। सो ये वीडियो बहुत सारी उन लड़कियों के लिए है जो मेरी तरह बहुत कंफ्यूज हैं कि हमें ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। वैसे तो आपको टाइटल देख के और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो यस, यू आर राइट, हाइड्रा फेशियल हमें करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, वो कॉस्टली है नहीं कॉस्टली है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं, उसका पूरा प्रोसीजर कैसा है, और हमें नॉर्मल लोकल किसी सैलून से या किसी डॉक्टर के पास से करवाना चाहिए। बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी थे, एंड आई नो कि बहुत सारी लड़कियों के मन में भी ये सवाल ज़रूर होंगे। तो उन्हीं के लिए, उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। मुझे आइडिया आया कि मुझे तो बनाना ही है एंड मुझे तो करना ही है, सो क्यों ना इसका एक वीडियो बनाती हूँ और मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए जाते हैं, मेरे साथ चलिए और आप लोग भी देखिए कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और कितना मज़ा आता है हाइड्रा फेशियल करवाने में। लेट्स गो। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने अभी क्लिप लिया है उसमें मेरे बाल बड़े चप्पू से लग रहे हैं, तो मैंने बाल खोल लिए हैं अपने। एंड अभी मुझे, पहले तो मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है, उसके बाद मैं क्लिनिक पे जाऊंगी। तो हाँ, सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को हाइड्रा फेशियल करवाना है तो आप लोगों को किसी लोकल सैलून वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी डॉक्टर या डर्मेट के पास ही जाइए हाइड्रा फेशियल करवाने के लिए, बिकॉज़ वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि आपको उसकी ज़रूरत भी है या नहीं, या बस ऐसे टाइम पास के लिए करवाना। सो मैं भी वहीं जा रही हूँ, लेट्स गो। आई थिंक मेरा दोस्त आके खड़ा है यहाँ पर, चलो बाय। सो ये है ओवर एक्टर नंबर वन, सो ये टेक वन है, देन टेक टू। हेलो, हाउ आर यू? चलो तो मैं लेके यहाँ छोड़ दूँगा। पीछे पीछे क्या देख रहा है भाई, हम अपने आप को नहीं देख रहे। क्यों? अच्छा, वहाँ पर काम चल रहा है इसलिए बुरी बुरी चीज़ें हैं। तो ये मेरा दोस्त है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, मैं कुछ बोल नहीं सकती। तो मैं पहले, हम लोग कहीं रुक जाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन से डॉक्टर के पास जा रही हूँ। आराम से चला। ये वाला रास्ता कितना अच्छा लगता है ना, थोड़ी और बारिश होती तो और मौसम अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं। वो तो देखना पड़ेगा। अपने आप को निहारने का मज़ा ही कुछ अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुले हुए बाल में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, आप लोग बताओ। सो मैंने सोचा कि अब मैं जा ही रही हूँ डॉक्टर के पास, तो उसके पहले मैं आपको अपनी स्किन दिखा देती हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ लगाया था सनस्क्रीन और मेरे पिंपल्स और एक्ने का देखो ये हाल है। सो इसको ही ट्रीट करने के लिए हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अभी बारिश हो गई और मेरे पास छाता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का, और नदीम मुझे पिज़्ज़ा खिला रहा है। ऐसा बार बार हाई करेगा तो बार बार हाई करने से कुछ नहीं होता है, बोलना पड़ता है। और हाँ, इसी की सिस्टर है जो कि डॉक्टर है, जो कि डर्मेट है, तो मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ, बिकॉज यू नो दोस्त की बहन है तो भरोसा कर सकते हैं और शायद मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाए। हाँ, तो यही सच्चाई है, मुझे डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो पूरा एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहता है हाइड्रा फेशियल का, एंड वो मुझे क्या कंसल्ट क्या बताते हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो मैं सब आप लोगों को बताऊँगी। सो आई थिंक मैं डायरेक्टली आपको क्लिनिक में ही मिलती हूँ, बिकॉज मेरे को यहाँ पर थोड़ा शूट करने में अजीब लग रहा है, बिकॉज सब मुझे घूर के देख रहा है, इंक्लूडिंग माई बेस्ट फ्रेंड, और वो हंस भी रहा है। नो मोटिवेशन, यूजलेस दोस्त। चीज निकल गए है ना, कोई बात नहीं, मैं पतली भी हो जाऊँगी। ढकली नहीं, पतली हो जाऊँगी, पतली। मैं टकली नहीं, पतली हो जाऊंगी। शट अप। सो मैं आप लोगों को ऐसे दिखा सकती हूँ मैंने क्या पहना है, एंड यहाँ से मेरा मोटापा भी कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। हाँ,
कैसा है नदीम? गिरा दिया मैंने। इसमें जितना फूल बस कर बहन बस कर। तो मैं थोड़ा लेट हो चुकी हूँ, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड देन डायरेक्ट क्लिनिक जाएंगे एंड फिर मैं वहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ कि हाइड्रा फेशियल का एग्जैक्टली प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे स्टार्ट होता है, क्या है। फिलहाल तो मैंने स्किन पे कुछ लगाया नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाया है और पिज़्ज़ा की वजह से मेरा लिपस्टिक चला गया, बट बहुत ही यम्मी और टेस्टी था। इस इंसान की वजह से मैं पतली नहीं हो पा रही हूँ। लेट्स गो गो। वैसे मैं एड्रेस बताने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं खुद चली जाती हूँ वहाँ पर और जो क्लिनिक का एड्रेस होगा वो मैं इसके बाद वाले क्लिप में डाल दूँगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू। ये देखो इनको बड़ी जल्दी है जाने की, यहाँ ब्लॉग बना बनाए लोग। मैं सिटी केयर हॉस्पिटल पहुँच गई और मैं वेट कर रही हूँ अपने नंबर का। सो अब मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, डॉक्टर से यहाँ पर पता नहीं रहा था, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, मुझे मैंने सब डिस्कस कर दिया है बिकॉज ऑफ PCOS मेरा हेयर फॉल क्यों होता है एंड ये पिंपल्स क्यों आते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ पॉलिशिंग समथिंग को सजेस्ट किया है, सो इट्स नॉट हाइड्रा फेशियल बट जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूँगी। ये तैयारी चल रही है स्किन पॉलिशिंग की बिकॉज डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया स्किन पॉलिशिंग करवाने के लिए, हाइड्रा फेशियल नहीं फॉर नाउ, मे बी इन फ्यूचर मैं हाइड्रा फेशियल करवा सकती हूँ बट अभी स्किन पॉलिशिंग करेंगे। ये क्या होगा सर? क्लेंजिंग कर रहे हैं, कितना फेस वॉश करते हैं ना। हाँ मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाया था। तो ये हो रहा है मेरा फेस क्लीन, ऑलमोस्ट मेरा फेस क्लीन हो गया है बिकॉज स्किन पॉलिशिंग से पहले फेस क्लीन होना ज़रूरी है। देन डॉक्टर आई, उन्होंने ये सक्शन वाला कुछ तो उनके पास टूल है जिससे उन्होंने स्किन पॉलिशिंग स्टार्ट किया। वैसे इसको स्किन पॉलिशिंग के अलावा भी कुछ बोला जाता है जो मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर उसका नाम इंसर्ट कर दूँगी, सो आप लोग देख लेना। तो ये बहुत ही ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही न्यू और बहुत ही अलग था मेरे लिए। हाँ देख के आपको लग रहा होगा कि मुझे पेन हो रहा है बट मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। ये कुछ सक्शन जैसा फील देता है आपके फेस पे, जैसे सारे डर्ट जो भी आपके फेस पे डर्ट है वो सब निकल रहा है, वैसी वाली फीलिंग आती है आपको। एंड उसके बाद डॉक्टर ने जो है मेरे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड, जो पिंपल जिस वजह से होते हैं, वो सारी जो चीज़ें थी उन्होंने मेरे फेस को अच्छे से एनालाइज़ किया एंड देन उसको धीरे धीरे रिमूव किया उन्होंने। इसमें मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ बिकॉज मैं इतनी बार पार्लर जाके फेशियल करवा चुकी हूँ और वो तो इससे भी ज़्यादा हार्ड तरीके से आपके फेस पे ये टूल यूज़ करते हैं, तो मुझे ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था। एंड मैंने ये वीडियो को वैसा ही रखा है जैसे मैंने शूट किया था, मैंने ज़्यादा कुछ कट या फिल्टर ऐड नहीं किया है बिकॉज मैं आप लोगों को रॉ एंड बिना फिल्टर के नॉन फिल्टर वाला वीडियो दिखाना चाहती थी कि ये रियल में कैसा होता है, तो कुछ ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में नहीं। आप आराम से देखिए कि क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा लगेगा आपके स्किन बाद में देख के। सो ये देखिए रियल एंड रॉ मेरी स्किन कैसे दिखती है बिना फिल्टर के। सो मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा तो चेंजेस है, थोड़ा क्लीन दिख रहा है मेरा फेस, जो पिंपल्स थे वो भी थोड़े अंदर चले गए हैं ये प्रोसीजर के बाद। सो अभी आप लोग बताइए कि आप लोगों को चेंजेस लग रहा है या नहीं। एंड उसके बाद उन्होंने जो लास्ट स्टेप है वो फॉलो किया, इसमें उन्होंने मुझे मेरे फेस पे लगाया था एलोवेरा जेल प्लस विटामिन सी, मुझे याद है वो डिस्कस कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था। सो यहाँ पर उन्होंने, ये डॉक्टर नहीं है वो उनकी नर्स है जो मेरी यहाँ पर आगे का प्रोसीजर कर रही है, सो उन्होंने अच्छे से मेरे फेस पे पहले ये जो पेस्ट बनाया था, उन्होंने पेस्ट बोलते हैं ठीक है वो जो भी डॉक्टर टर्म में बोलते हैं, वो लगाया उन्होंने। एंड देन एक मशीन थी दूसरी ये वाली,
इसको आराम से स्लोली वो मसाज करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा लाइक हीट प्रोड्यूस करता है, आपको हल्का सा गर्म लगेगा, बट टेंशन मत लो, आपकी स्किन नहीं चलेगी, कुछ भी आपको ऐसे नहीं होगा आपके स्किन में। हाँ, ये बहुत ही अच्छा और मज़ा आ रहा था मुझे तो वो। अगर आप वो हीट वाला पार्ट अवॉइड करोगे तो बहुत ही ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो इन्होंने ये एकदम अच्छे तरीके से मेरे फेस पे आराम से टाइम लेके पूरा इन्होंने ये किया। उसके बाद उन्होंने फिर से अप्लाई किया मेरे चेहरे पे एलोवेरा जेल एंड विटामिन सी वाला जो उन्होंने बनाया था वो फिर से अप्लाई किया। एंड देन उन्होंने फिर से वह सेम टूल यूज़ किया एंड अच्छे से पूरा कवर किया। वो हो जाने के बाद में उन्होंने सारा का सारा जो भी मेरे फेस पे बच चुका था एलोवेरा जेल उसको रिमूव किया। उसको रिमूव करने के बाद उन्होंने लगाया सनस्क्रीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा हमेशा मिस करते हैं सनस्क्रीन लगाना, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ फॉलो करते हो स्किन केयर रूटीन तो सनस्क्रीन तो बेस्ट उसमें होना ही चाहिए। इट इज़ अ मस्ट प्रोडक्ट जो आपको डेली यूज़ करना चाहिए। एंड डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे पता चला कि ट्वाइस और थ्राइस ऑल्सो वी कैन यूज़ सनस्क्रीन, बिकॉज वो बहुत अच्छा है हमारे फेस के लिए। बिकॉज मोस्टली हमारे बॉडी में से हमारा जो फेस है वही सबसे ज़्यादा सन के कॉन्टैक्ट में आता है। सो प्लीज़ सनस्क्रीन लगाइए। तो यहाँ पर सनस्क्रीन उन्होंने अप्लाई किया, तब मुझे थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन हो रहा था जो मैंने उनके साथ चेक भी किया, बट उन्होंने बताया डॉक्टर से पूछ के कि इट इज़ नॉट एट ऑल, कुछ ऐसा गलत नहीं है, या मैं जो सोच रही थी मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है कि मुझे इतना बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, बट मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और ऐसा कुछ नहीं था। ओवरऑल इट वाज द बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट इज डन, आगे क्या मैं आपको पूरा बताती हूँ थोड़ी देर बाद। ओवरऑल यू कैन सी मेरा फेस कितना क्लीन लग रहा है। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, मैंने उनसे डिस्कस किया एंड देन मैंने सारे मेडिसिन और जो भी उन्होंने क्रीम दिया था वो लिया। सो आई फाइनली रीच्ड होम। ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आई डोंट नो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, बट ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। मैं सारी डिटेल्स आप लोगों को बताऊँ, जो क्लिनिक का एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और वीडियो के बीच में भी मैं डाल दूँगी, या तो इससे पहले या फिर इसके बाद वीडियो के एंड में। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लिनिक है वहाँ की, हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी, डॉक्टर तो बहुत ही क्यूट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। 15 डेज का कोर्स भी लिया है मैंने। सो मैं घर आ चुकी हूँ, मैं थोड़ी फ्रेश हो गई एंड जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको पहले वाला भी बताया है जब मैं उसके यहाँ पर जाने से पहले कैसा था और अभी कैसा है। मुझे बिल्कुल भी इचिंग नहीं हो रही है। हाँ, सनस्क्रीन लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसे बर्निंग वाला सेंसेशन हो रहा था, बट मैंने डॉक्टर से चेक किया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं आईज़ भी अप्लाई करूँगी अभी, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बिकॉज बहुत मुझे फ़र्स्ट टाइम थोड़ा ऐसे डिफरेंट फील हुआ, बिकॉज पार्लर में जाते हैं तो वो लोग कहीं पर भी चालू हो जाते हैं कुछ भी करना, बट अगर किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हो तो पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स वो मेरे फ्रेंड की सिस्टर है तो मुझे उन पर ट्रस्ट तो था ही, बट अभी मेरे को जाके भी बहुत अच्छा लगा। सो अगर आप लोगों को भी हाइड्रा फेशियल या फिर टोनिंग या पॉलिशिंग किसी भी चीज़ के बारे में आपके फेस से रिलेटेड अगर आपको कंसल्ट करना है तो मैं बोलूँगी कि आप पार्लर वालर छोड़ो एंड किसी डर्मेट के पास जाओ, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ एंड डॉक्टर से कंसल्ट करो एंड उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्किन का ध्यान रखो, वही सबसे बेस्ट है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, आप लोगों ने देख ही लिया होगा अब तक पूरे वीडियो में कि मेरा एक्सपीरियंस कितना अच्छा था। मुझे थोड़ा सा भी पेन नहीं हुआ, ऊपर से बहुत अच्छा लगा। सो 15 डेज़ के बाद मैं फिर से एक बार जाने वाली हूँ, लेट्स सी 15 डेज़ में कितना डिफरेंस आता है मेरे फेस में। एंड उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। एंड अगर आप लोगों को सेम डॉक्टर के पास विजिट करना है एंड आप नियर बाय मीरा रोड में रहते हो या फिर दहीसर या भाईंदर में भी रहते हो नियर बाय में, तो प्लीज़ ये वाले डॉक्टर के पास जाओ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी डॉक्टर है, उनका नाम है नुजहत शेख। बहुत ही ज़्यादा अच्छी डॉक्टर है, फ्रेंडली बिहेवियर है उनका और वो आपको जेन्युइनली चीज़ें सजेस्ट करेंगी। ऐसे नहीं कि बस ये करवा लो वो करवा लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको जेन्युइनली बताएंगी कि आपके फेस के लिए क्या अच्छा है एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोग करवा सकते हो। सो अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखना पसंद हो, स्पेशली ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ी सी इनएक्टिव हो गई थी, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं डेली हर वीक पोस्ट करूँ एंड शॉर्ट वीडियोज़ तो आते ही रहेंगे। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, अल्लाह हाफिज़।